काशी वासियों के लिए बड़ा सिर दर्द बन चुकी जाम की समस्या कोई हल नहीं मिल पा रहा। इससे उबरने के लिए केंद्रीय स्तर पर योजना बनी जिसे पूरी तरह से ढाला नहीं जा सका। आज भी राहगीरों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बहरहाल इस चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए नवागत SP ट्रैफिक प्रमोद कुमार सिंह ने सहयोग के लिए जनता से अपील की। टीपी लाइन स्थित कार्यालय में पत्रकारों से मुखाबित होते हुए SP ट्रैफिक प्रमोद कुमार सिंह ने शहर को जाम युक्त करने का कार्य योजना को साझा किया। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा ऑटो रिक्शा चालक पर रोक उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए नीतियां बताई। वर्ष 2019 में काशी हिंदू विद्यालय से दीक्षा हासिल कर चुके श्रवण कुमार सिंह ने इसके पूर्व मथुरा में SP सिटी में रहे। उन्होंने बताया कि कृष्ण की नगरी के बाद अब महादेव की नगरी में अपनी सेवा देने आया हूँ। देखिए, मैंने परसों यहाँ पे SP ट्रैफिक वाराणसी ज्वाइन किया है और 92 मेरा बैच है PPS का स्टेट कैडर का। इसके पहले मैं SP सिटी मथुरा था, उसके पहले SP देहात मेरठ, फिर करीब 2.5 साल SP सिटी मुजफ्फरनगर और उसके पहले अलीगढ़ आगरा गाजियाबाद की सर्विस रही है। काशी में आज आप ज्वाइन किया है और इसमें नाना प्रकार की दिक्कतें और समस्याएं भी हैं। इसके पहले जैसा कि रावत जी रहे और उन्होंने कुछ हद तक समस्याओं का समाधान किया है और सबसे बड़ी समाधान डिस्टर्ब यह है कि कैंट रोडवेज बस स्टैंड जो है वहां पर प्राइवेट बसें और गंगामल बसें ये लगती है। अभी परसों जो है रोडवेज चौकी का यूनियन वालों ने घेराव किया था और उसके बाद कोर्ट का आदेश भी है कि 1 किलोमीटर परिधि में कोई भी गंगामल या प्राइवेट बसें न लगे। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है, आपने इसको संज्ञान में लाया है। मैं क्योंकि मेरे पूर्वाधिकारी यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने क्या एफर्ट किया इसको मैं देख लेता हूँ और RTO के माध्यम से भी उनके क्या नियम है उसका इन्फोर्स कराने की आवश्यकता होगी तो इन्फोर्स किया जाएगा। और डग्गा मार अगर बसें यहाँ पे चल रही उनका कोई पेपर नहीं है तो RTO के माध्यम से इसको हम कार्य से इन्फोर्स करेंगे और उन पर पेनलाइज भी करेंगे।